बैठ जाती हूँ, मैं बहुत थक गई। मेरी सुबह सुबह मुझे थोड़ा सा यहाँ लेक के किनारे किनारे लेक भी आपको दिखा रही है। देखिए ये यहाँ से लेक स्टार्ट होता है, तो ये है तल्लीताल, इसको बोलते हैं। यहाँ से मैं अब आगे को जाने वाली हूँ और भीमताल का पूरा लेक के नीचे का जो भी व्यू है वो सब आप मेरे साथ देखते हुए चलिए। भीमताल ऊंचा ऊंचा सैंडल पहरेली बनारसी साड़ी। आज मैं नीचे से दिखाऊंगी लेक का व्यू, फिर कभी ऊपर से नेक्स्ट टाइम। यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे रिजॉर्ट है किनारे पर, अगर आप रोड है जो से बाहर लेक के साइड पर लेक व्यू के लिए बेस्ट है। ये देखिए यहाँ पर छोटी छोटी गाड़ियाँ यहाँ पर चलती हैं, बड़ी गाड़ियाँ तो जानी जाती नहीं है, छोटी छोटी गाड़ियाँ यहाँ को जो है चलती है। साइड बहुत सुंदर सुंदर रिजॉर्ट और ये सब बनी हुई है, विलाज भी हैं काफ़ी, तो कई सारे लोग यहाँ पर बाहर के जो वाटर ही पंप होकर, शायद वाटर पंप है क्योंकि पानी ऊपर को चल रहा है, जाना ही किसी काम से ऊपर तक। आज आपको ऊपर फिर वहाँ से चढ़ाई ऊपर को जो है वो आपको दिखाती हूँ। और इस साइड ही देखिए बहुत सुंदर व्यू इधर से दिखाई देता है। खड़ी है ऊपर से एक स्कूल है, वहाँ की बस यहाँ पर खड़ी है। दिस इज फैंटास्टिक व्यू। कुछ टूरिस्ट यहाँ पर आए हुए हैं जो कि ऊपर रूम में अपने हैं। यहाँ पर ये है, यहाँ पर कोई प्रोग्राम चल रहा है। कल शाम बहुत तेज बारिश हुई है, ओले गिरे हैं, तो थोड़ा ठंडा भी है। सामने जो है बहुत सारे रिजॉर्ट बने हैं और ठंडी ठंडी हवाएं बह रही हैं। This is really heaven. यह है ठंडी सड़क और ठंडी सड़क से हम आगे को बढ़ते हुए आगे फिर से एक रिजॉर्ट के लिए रास्ता जा रहा है। तो देखिए मनालित रिजॉर्ट वेलकम सी यू। छोटी
की चढ़ाई चढ़ रही हूँ। ऊपर बहुत चढ़ाई है और ये यहाँ पर खूब सारी बिच्छू घास हुई है। ये बिच्छू घास वैसे इसको जब ऐसे हाथ पर लगाते हैं तो ऐसे लगता है करंट। वैसे ये सेहत के लिए अच्छी है, इसकी सब्जी भी बनाई जाती है काफ़ी, पर यहाँ ज़्यादा होती तो लोग इसकी कम समझते हैं। देखिए इसमें कितने खूब कांटे होते हैं, जो ये कांटे जो हैं ये कांटे इसके जो है इसको लगाने से करंट लगता है। गांव में कहते हैं देखो सुषोणला गोल। ऊपर को चढ़ाई, ये ऊपर को लगी है और मुझे जाना है ऊपर को। थोड़ी देर बैठ जाती हूँ, मैं बहुत थक गई, मेरी सांस भूल गई।